भाई स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में। यार मैं ना इतने दिन से सोचे जा रहा हूँ कि यार संडे राइड के बाद ना मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं है। संडे राइड इससे पिछले संडे राइड गया था मैं, संडे तो मैं गया ही नहीं। और हेलमेट की जरा चेक करो हालत, इतनी गंदी हुई पड़ी है ना ये देखो। मतलब ये हेलमेट को मैंने लेमिनेट भी नहीं करवाया अभी तक देख लो, और इतना गंदी हुई पड़ी है, अंदर से पैडिंग भी गंदी हो रही है, मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। तो आज इसे अच्छी तरह पहले इससे साफ़ करेंगे। हाँ इधर अब पहले इस पर कपड़ा मारता हूँ और फिर इसको देखते हैं। आज छोटी सी मैंने सोचा था अकेला जाऊँगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं घर बैठा हूँ, और एक गंदा कपड़े से इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें एक बार, फिर पानी मार के बढ़िया से फिर पेट्रोल ही हो रहा है ना बाइक में। पेट्रोल भी नहीं है यार आज, पता नहीं मैंने 2 हफ्ते से पेट्रोल नहीं डलवाया क्योंकि मैं चला ही नहीं था ज़्यादा। 5-7 किलोमीटर चलता हुआ रोज़ बस, ज़्यादा नहीं चलता। और अभी बस इसे साफ़ करके अच्छी तरह आज चलते हैं, थोड़ा सा गेड़ी मार के आते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए गया भी नहीं मैं कहीं। और ये संडे राइड अगर जाएंगे तो हम भी जाएंगे पक्का है, और बाकी इसके लेमिनेट भी जल्दी करवा लेंगे। और इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया ना, मैंने सोच रहा था थोड़ा सा बीच में मैं डीमोटिवेट हो गया था कि मैं सोच रहा था व्लॉग वगैरह फोटो व्लॉग वगैरह छोड़ दूँ, कोई व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे। पर 3-4 दिन बाद अंदर से खुद ही आवाज़ आ रही है यार कि व्लॉग बनाओ भाई, ऐसे व्लॉगिंग का सेटअप। मेरे को व्लॉगिंग करने में ज़्यादा मन करता है, मोटो व्लॉग में नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा व्लॉगिंग से स्टार्ट करते हैं, मोटो व्लॉग से स्टार्ट नहीं करेंगे। और पूरी वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जिसे सब्सक्राइब नहीं किया यार। और हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टीए व्लॉगिंग में। तो कैसे आप सब, होकर तो सब बढ़िया होंगे। बाकी फटाफट साफ कर लेते हैं, पानी मार देते हैं एंड ये मैंने सैनिटाइज़र की बोतल खाली करके बहुत पहले से रखी हुई है, ऊपर ही पड़ी थी, इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे एंड देन इसको लेके जाएंगे। कोई कैमरा चार्ज भी लगाना है, कैमरा चार्ज क्या है कि पावर बैंक से चार्ज होता है कैमरा, क्योंकि इसकी जो डाटा USB है वो छोटी सी है तो वो लगा के रखना पड़ता साइड में। और वाह पूरा हेलमेट वो हो गया, पानी पानी हो गया, पानी हमने मार दिया। पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि यार ये साफ़ नहीं होगा तो ग्लोस चमकेगी नहीं, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। चलो हल्का हल्का कपड़ा मार के वाइजर पे ताकि। और हाँ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो, अच्छी अच्छी रील डालता हूँ बाइक्स की अपनी भी, और जाके देखो करो और अच्छा सा कमेंट करा करो यार, क्यों नहीं करते आप कमेंट वगैरह। लेके आया तो उसने अच्छा लग रहा था ना, मेरे हाथों में हाथ ही गंदा होने लग गया, मतलब गंदा इन द सेंस कि मैं ध्यान नहीं रख रहा, मैं खुद का ध्यान नहीं रख रहा, अभी तक नहाया नहीं हूँ, 3 बज गए हैं, 2 बजने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको मोटो व्लॉग अच्छा लगता है या व्लॉगिंग अच्छा लगता है, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ठीक है, ये अपना हेलमेट साफ़ हो चुका है, इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को जाना है, पहले नहाना है, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे नीचे मोटो व्लॉग में, पेट्रोल डलवाएंगे, थोड़ी सी गेड़ी मारेंगे। तो छोटा सा व्लॉग आपके लिए रखते हैं, और थोड़े आपको जितने भी मेरे व्यूज़ आ रहे हैं मॉडिफिकेशन बाइक, मैंने 2-सीटर कार वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने, उस पर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की आपको अच्छी लग रही वीडियोस, तो मैं भी सोच रहा हूँ मॉडिफिकेशन भी थोड़ी बहुत डाल दिया करूँ। बाकी जो भी है आपको जो भी देखना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी मोटो व्लॉग या व्लॉगिंग आपको क्या अच्छा लगता है ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना। बाकी मैं मोटो व्लॉग जब करूँगा तभी मैं कैमरा ऑन करूँगा, अभी कैमरा चार्ज भी नहीं है GoPro। तो ठीक है, आपको मैं सीधा मिलूँगा बाइक पर, और बाइक की हालत भी दिखाऊँगा कि गंदी हुई पड़ी है, वो भी राइड से पहले उसको भी क्लीन कराना पड़ेगा। हेलमेट हो गया साफ, और मिलते हैं आपको सीधा मोटो व्लॉग में। और स्वागत है आपका मोटो व्लॉग में। तो गंदी हुई पड़ी आपके सामने ही है, और देखो देखो भाई देखो, और फिर निकलते हैं, आराम से निकलेंगे भैया जी आराम से। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई जी, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यार जो भी कोई यार, जब खींचने के वजह से जब मज़ा आता है ना खींचने पे, ओए होए होए होए, अलग ही लेवल की फील आती है और अलग ही सुकून मिलता है। बाकी बाइक गंदी तो वही पड़ी है अभी तो, मेरे को लगता है कि जो पैनरी वाले भैया हैं वो जा चुके हैं हिमाचल घूमने, और आज थर्सडे है, लेकिन क्या पता संडे राइड ना जाए, और आएंगे भी कैसे आएंगे, कब आएंगे मुझे बात नहीं हुई, पर उनकी स्टोरी देखी थी मैंने, तो हो सकता है कि कम बंदे जाएँ, अगर जाएँ तो पहले पेट्रोल भरवाएँगे फिर आगे काम करेंगे।
देखते हैं कि क्या सीन बैठता है। मैं तो चाहता हूँ कि संडे राइड हो, क्योंकि पिछले संडे राइड नहीं गया और भानु भाई तो जाते हैं, उनके साथ चला जाऊँगा। अगर और कोई ना गया होगा तो क्या था भैया, पावर कर दो 499 का। ये लो सर, ये पहला कट थोड़ा होता है, पहला कट इससे कट लग जाता है और ज़्यादा भाई और पहले कट में ज़्यादा आराम से डलता है। स्पीड भागते हैं है? इसमें स्पीड भागते हैं। अच्छा। हर अलग अलग मशीन पर अलग अलग। अच्छा लो जी 500 का पता चला भी गया, पता भी लगा। चलो ठीक है भैया, चार्ज नहीं था ये तो पहले निकल जाता, मेरे को बाद में याद आया कि इसको चार्ज भी करना है। तो थोड़ी देर में चार्ज लगाया, 15-20 मिनट बैठा, उसके बाद जाके मैं कैमरा उठा के लाया हूँ। मेरे को नहीं पता कितनी देर चलेगा भी है, माननी तो छोटी सी गेड़ी है, पर तो भी मैंने सोचा यार कि ऐसे बंद ना हो जाए रास्ते में ब्लॉग में और भीड़ हो जाती इस टाइम में। वैसे भी चलाने का मजा आता है, सुबह सुबह आता है जब ये रोड खाली होती है ना, वो भाई साहब कैसे भी चला लो आराम से चलती है। और भीड़ में ना चलाने का तेज भी मन करता है, पर पक जाता है बंदा ब्रेक मार मार के, फिर बंदे को इतना खैस दे एकदम से। तो कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, भीड़ ही होगी, तेज भगाने का तो वैसे भी कोई वो बनता नहीं है। और इस रोड पे नहीं भगा लेंगे, अब यूटर्न ले लेंगे तो इसी रोड पे चल लेते, इससे अच्छा भगानी ही है तो थोड़ी बहुत। और पेट्रोल 500 में इतना आ गया, पर एक बत्तियाँ ना ये डिजिटल वाले में ना ऐसे धोखा हो जाता है कि अभी कम हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब कम हो गया। और ठीक है बाकी इतने दिन से ब्लॉग वगैरह नहीं आया, 4-5 दिन हो गए, आदत हो चुकी है मुझे, सही बताओ तो ब्लॉगिंग करने की। अगर ना करूँगा तो भी ये होता है कि यार ब्लॉग करना था, और ब्लॉग दिन देखता हूँ तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर मन करता है कि अब बनाना है। तो ये अच्छी बात है मेरी कि मैं कितना भी डिमोटिवेट हो गया, लेकिन 3-4 दिन बाद मुझे ये हो जाता है कि यार ब्लॉग बनाना ही बनाना है, कुछ भी हो जाए। राइड के मजे करने आया हूँ, थोड़ा तो ब्लॉग बनाने आया हूँ यार, मन तो नहीं था। नहीं हाँ, ये रोड तो भी एक हद तक खाली होती है, लेकिन इस पर जगह जगह पे कट है, वो आगे बंदे आ जाए तो वैसे भी हवा टाइट हो जाती है कि ब्रेक मारनी है, इसलिए मैं धीरे चलाता हूँ, ज़्यादा तेज चला भी नहीं रहा। और विंडोज वैसे भी बहुत तेज आ रही है, पता नहीं आपको आवाज़ भी आ रही होगी या नहीं, मेरी आ रही होगी, अच्छा लग रहा है। लेकिन इस टाइम ना धूप है, धूप चल रही है सही बताऊँ तो। और अगर थोड़ी शाम हो ना 7 या 8 बजे हो तो राइड करने का जो मज़ा आता है यार, दिल खुश हो जाता है बंदे का राइड करने की, यार वाह ऐसे निकलता है अपने मन में से। इसलिए इस साइड आया हूँ क्योंकि इस साइड में पहले आया नहीं ब्लॉग वगैरह ज़्यादा बनाने, और इस टाइम यहाँ पे भीड़ ही होती है। वैसे तो मैं शाम में वैसे तो आया हूँ कभी कभार, लेकिन अब मैंने सोचा यार यहाँ चलते हैं, नया रूट हो जाएगा, आपको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने में। तो अपनी बाइक चल चुकी है 2300 किलोमीटर, मतलब 3000 किलोमीटर चल चुकी है हमारी बाइक, ठीक है जी। और ऊपर से हमारी सर्विस होती है, 3000 तक पे सर्विस करवाऊँगा मैं, और अभी 700 पड़ी है, मतलब यानी कि 2-3 महीने लगेंगे आई थिंक, पता नहीं इतने लगेंगे या कम लगेंगे। यहाँ से रुक के बस थोड़ी तो बना लें इंस्टाग्राम की, जो जो फॉलो करता है एटलीस्ट उनको तो पता लग जाएगा कि कल ब्लॉग आ रहा है अपना, इतने दिन बाद ब्लॉग आएगा यार, तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? देख रहे हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, एक बार हल्की सी स्टोरी बना रहे, हल्की सी बनानी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना। तो गाइस फाइनली हम एक गेड़ी मार रहे, खुश हो गए और अब चलते हैं घर की। और गाइस ये वाली वीडियो छोटी सी आपके लिए बनाई मैंने, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना यार। और मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद गाइस।